24 टीवी न्यूज की टीम पहुंची नितिन पंत के पास और जाना क्या है सच। बातचीत के दौरान नितिन पंत ने मीडिया से रूबरू होकर बताया कि साध्वी ने मुझे कलीम सिद्दीकी के बयान बदलने को कहा। वहीं दूसरी तरफ नितिन पंत ने अपनी पहली बाइट में कहा था कि साध्वी सविता जमुना दास मेरा संरक्षण कर रही है। क्या है इन दोनों बातों का सच और झूठ, आइए जानते हैं पूरा मामला। और माता जी हैं महिला प्रकोष्ठ के अध्यक्ष, उनके संरक्षण में हूँ। हम एक चेतावनी देना चाहते हैं कि ये जो आतंकवादी संगठन, ये जो हिंदुओं को मुसलमान बना देते हैं, क्या आज तक कभी हिंदू ने भी किसी मुसलमान को हिंदू बनाया है? आज एक भी वाक्य ऐसा दिखा दीजिए। कभी क्रिश्चियंस हैं, उनको क्या कभी ऐसा किया है कि हिंदू बनाया हो? ये फिर ये हमारे धर्म के ऊपर ऐसी कुठाराघात क्यों होता है? ये बार बार एक ब्राह्मण को बताइए, इन्होंने 10 साल तक कैद में रखा और पता चलता है आज क्या पटाक्षेप होता है कि वो आतंकवादी संगठन चला रहे हैं, बाहर से पैसे आते हैं। तो इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और इस प्रकार की ज्यादती हम हिंदू धर्म के ऊपर बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस प्रकार का लव जिहाद, इस प्रकार का धर्मांतरण हमें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। हम लोग इसका पुरजोर जो है विरोध करते हैं। नमस्कार, इंडिया 24 टीवी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं निशांत गुप्ता। इस वक्त हम कर रहे हैं सहारनपुर के जनपद बालाजी घाट पर, और जहां पे नितिन पंत जो कि धर्मांतरण केस था, उन्होंने साध्वी सविता जमुना दास पे आरोप लगाए हैं और SSP महोदय के यहाँ जो है एक लेटर भी दिया गया है। आइए जानते हैं उस बारे में कि साध्वी जी पे जो उन्होंने किस चीज़ के आरोप और क्या क्या लगाए हैं। आइए नितिन पंत से बात करके जानते हैं पूरा मामला। नितिन पंजी कहाँ के रहने वाले हैं? नैनीताल के रहने वाले हैं। नितिन पंजी, आपके द्वारा SSP महोदय के यहाँ एक लेटर दिया गया है, तो उसके बारे में बताइए कि क्या मामला है। वो ये एक महिला है जो गेरवा पर धारण करती हैं, लेकिन उनकी जो सोच है वो देश को तोड़ने वाली है और धर्म को तोड़ने वाली है। अच्छा, उन्होंने मेरे को घाट पर आके भी एक बार मुझसे यूँ कहा कि भाई तेरे को मैं 20 लाख रुपये दूँगी, सपा की सरकार आ जाए तो सरकार बनते ही लाल बत्ती गाड़ी और 30-40 लाख रुपए सरकार की तरफ से वैसे ही मिल जाएंगे। तो ये आपको घाट पे आके कब कहा उन्होंने? उस दिन मेरा एक बाइट हो रही थी, नवभारत टाइम्स वाले आए हुए थे, उन्होंने बल्कि आके नवभारत टाइम्स वालों से भी लड़ाई की कि नितिन के जो बयान दिए उन बयानों को काटो, इनको डिलीट कर, तो इसको प्रसारित मत करना। मैंने उस बात से इनकार किया। मैंने कहा माता जी देखिए, हम लोग धर्म के और देश के विरुद्ध नहीं जा सकते। मैं इन आतंकवादियों के चुंगल से छूट के आया, मैं अपने देश और धर्म की मदद के लिए गवाही दे रहा हूँ, किसी उसके लिए नहीं। मैं इसलिए गवाही दे रहा हूँ कि ऐसे आतंकवादी सोच वाले लोग जेल के अंदर हैं, इनको सजाए मौत मिले। अब वो चाहती हैं कि मैं उनके साथ ऐसा कार्य करूँ, उनके कहने पे उसके विरुद्ध गवाही ना दूँ, मैं हट जाऊँ। वो अपना पॉलिटिकल राजनीति है उनके दिल के अंदर। तो मैं ये जानना चाहता हूँ नितिन जी आपसे कि जब आपने बताया कि यहाँ बाइट हुई थी, बाइट जब दी गई थी और बाइट में ये भी चला था कि साध्वी जी और आपके मुख से ये कहा गया था कि ये मेरा जो है मेरी संरक्षक हैं साध्वी जी, और ये इस बारे में, और साध्वी जी ने जो है जैसे कि आप बता रहे हैं कि उसमें बातचीत की थी और सारा बयान दिया था कि जो नितिन पंत के साथ हुआ वो गलत हुआ है, ऐसे जो मुमलन लोग हैं जो ये कार्य कर रहे हैं ऐसे लोगों को सजा दीजिए, और आप उसका विपरीत हमें बता रहे हैं कि उन्होंने जो है यहाँ पर आके नव भारत को भी उन्होंने धमकाया था। देखिए जी, जब वो हम उनको उठाने के लिए गए थे जहाँ उन्होंने बयान दिया था, जब इन्होंने कहा था कि नितिन के पास जो गलत हुआ है, उस समय हमें बताया गया था कि गेरवे बस में एक औरत है जो बैरागी अखाड़े से है, हम उनकी मदद करने के लिए गए थे, एक साधु समाज की मदद करने के लिए गए थे कि साधु समाज की बेइज्जती ना हो। जब मेरा वहाँ से फ़ोन आया और उसके बाद मैंने आके गुरुजी को अवगत कराया कि गुरुजी मेरे पास ऐसे ऐसे फ़ोन आया था और मैंने मना नहीं, किया। नहीं, नितिन जी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो आप बता रहे हैं कि साध्वी जी आई थी बाइट होने के बाद, साध्वी जी ने अलग से आपसे ये बोला था कि आप ये चीज़ ना करें, आप लोगों को खतरा हो सकता है, आप इनका संरक्षण, तो आपने ये बात मीडिया से दोबारा क्यों नहीं कही? देखिए मैं मीडिया से रूबरू हुआ नहीं दोबारा लखनऊ से, तो आपने मीडिया क्यों नहीं बुलाया उस टाइम? देखिए मेरा डायरेक्ट मीडिया से कुछ कहने का वो नहीं था। आपकी जब इतनी बड़ी बात हो चुकी थी कि आपने ये बताया कि माता जी ने अलग ले जाके आपको ये कहा कि आप जो है इस तरीके का बयान ना दें, आपको खतरा हो सकता है और मैं आपको ये बत्ती दिलाऊंगी, और ये तो आपने इस बारे में मीडिया से दोबारा अवगत क्यों नहीं हुए? देखिए मैं मेरे को ATS से भी सुरक्षा कारणों से मीडिया के सामने जाने से मनाई। ATS से तो आप बाद में गए थे, ये तो आप पहले का मामला बता रहे हैं मुझे। ये मामला हुआ उसके बाद मैं ATS गया, मैंने गुरुजी को भी नहीं बताया। क्यों नहीं बताया गुरुजी को? धर्म की हानि ना हो, उनको यूँ ना लगे। मैंने यूँ सोचा कि वो मेरे को परख रही हैं, या अगर वो परख रही हैं तो बात अलग है,
मैं वहाँ जब चला गया, जब दोबारा उनका फ़ोन आया कि पैसों की चिंता मत करना, पैसे मिल जाएंगे और जो कहे वैसे ही करना, तब मुझे मेरे दिल वैसा क्या करना, वैसा क्या करना कि जैसे कहा है, जो बयान बदलने को कहा है कि उनके पक्ष में क्या बयान बदलने, पहले बयान को कि कलीम सिद्दीकी एक आतंकवादी हैं, वो तो बता दें नहीं, क्या बयान दिया गया जी बताएं। इन पंजू हमारी बातों का जवाब बिना दिए चले गए, इससे क्या साबित होता है क्या नहीं, आप ब्रेकिंग के लिए बने रहिए, प्रशासन जो है अपने कार्य करता रहेगा, उस बाद में बात करते हैं। मेरे साथ बने रहिए इंडिया 24 टीवी न्यूज़ के साथ, भगत मेहरा के साथ निशांत गुप्ता एक खास।